देख लो इंडिया का सब लड्डू, देखो जो मैं बनाया था नमक पारा, मगर ये चीनी वाला है। तो दही आ गया, मिला दिया मैंने, साथ में पिज्जा भी आया नाश्ता करने के लिए। तो अपना बिरयानी रेडी हो गया, चलो खोल कर देखते हैं। इसमें देख लो 36 लाख के गाड़ी में ये खजूर लेने आया हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोग को फिर से स्वागत है। तो आज के रूटीन में देखते हैं हम लोग क्या होता है, आज दिन भर का पूरा रूटीन आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। तो अभी बज रहा है सुबह का 6:30, मैं जा रहा हूँ मैडम और बच्चों को छोड़ के आने। तो मैडम को छोड़ते हुए नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, सीधे मैं मिलूंगा, कोई इम्पोर्टेंट काम आएगा तभी। आज मैं पूरे दिन का फुल रूटीन दिखाऊंगा अपना कि क्या क्या काम होता है। तो चलो अभी शुरू करते हैं, तो चलो मिलते हैं हम लोग थोड़े देर में। ये जो संतरा दी थी कफील, मैं तो खाऊंगा नहीं, तो आगे मैं अबू के दोस्त को दे दूंगा, वो लोग खा जाएंगे। तो इधर तो संतरा दे दिया, अब मार्केट में चलता हूँ कुछ बनाने के लिए ले लेता हूँ। तो आ गया वो रहा सामने सिटी फ्लावर, उसी में से अपना सामान लेते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या है सस्ता में आज ऑफर में। ये देख लो इंडियन मिर्ची 1 किलो 19 रियाल का, 400 रुपये किलो। थोड़ा सा मिर्ची लिया और एक वो पोता मुर्गी का। देख लो इंडिया का सब लड्डू, वो बस जो मैं बनाया था नमक पारा वही है। देखो जो मैं बनाया था नमक पारा, मगर ये चीनी वाला है। तो अपना सामान ले लिया मैं, मुर्गी का पोटा लिया हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ अपने रूम के लिए, रूम पे जाके अभी खाना बनाऊंगा। तो 11:20 होने वाला है, खाना का तैयारी करते करते, चावल अपना हो गया था और ये अपना मुर्गी का पोटा बन रहा है। अभी सब चढ़ाया सारा मसाला डालकर, अब 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, तब तक कपड़े धो लेता हूँ मैं। ये कपड़े मैं भिगो कर रखा था, आज आखिरी बार कपड़े धो लेता हूँ, फिर इसके बाद सारे ये फेंक दूँगा, क्योंकि अब इंडिया में नए नए कपड़े लेकर जाना है। ये 3-4 साल 5 साल पुराना कपड़े हैं, अब इंडिया में नए कपड़े लेकर जाना है। अभी आखिरी बार बस धो रहा हूँ या पहन कर, या फिर नहीं पहन पाऊँगा तो किसी को दे दूँगा और नए खरीदूंगा दूसरा। तो कपड़े सारे धुल गए आप देख सकते हो, बाकी फैला दिया मैं सूखने के लिए, धूप आज तो तेज निकला है अच्छे से। तो सामान ले लिया मैंने खजूर, देख लो 36 लाख के गाड़ी में ये खजूर लेने आया हूँ मैं। अपने लिए भी सामान ले लिया मैं, एक वो तोड़ लिया, गागल, पानी लिया, मैंदिल लिया, टिश्यू पेपर, ये उसका खजूर है जो पहुंचाना है। देखो महंगा वाला है ये, एक डब्बा 20 रियाल का है, 400 रुपये का। 3 डब्बा लेने के लिए मैं इधर आया हूँ। तीन डब्बा खजूर लेने के लिए 36 लाख के गाड़ी में आया मैं इतने दूर। तो गाइस आ गया मैं खजूर लेकर, इस घर में पहुंचाना है, अभी बेल बजा कर दे देता हूँ। बहुत ही लेट हो गया, इस घर में अभी देता हूँ मैं। इस घर का ड्राइवर का रूम वो रहा, उसमें रहता है वो ड्राइवर, वो गाड़ी चलाता है ह्युंडई का। तो पहुंचा दिया मैंने खजूर, अब चलता हूँ थोड़े देर के लिए रूम पर, 4 बजे फिर निकलना है। तो बैंक वाली मैडम को लाकर छोड़ दिया मैं, और ये मैडम दी है मकई है, बोली ये मामा के घर पर पहुंचाना है, मतलब इसकी माँ के घर पर पहुंचाना है। तो मैं अब जा रहा हूँ, ये पहुंचा दूंगा, फिर अपने रूम पे जाऊंगा,
फिर और कोई ड्यूटी आएगा तो आप लोगों को बताऊंगा, नहीं आएगा तो भी बताऊंगा। तो चलो वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो 5:21 हो रहा है, आगे मैं कफिल के घर के बाहर, ये देख रहे हो ये मकई है, ये इसको अब दे देता हूँ मैं और फिर अपने रूम के लिए निकलता हूँ। देखो लगता है आज पॉपकॉर्न बनेगा खूब सारा, मकई भूज भूज के खाएंगे। चलो मैं दे देता हूँ पहले। तो अभी उधर से कफिल की औरत ये दी, ये बॉक्स इस घर में पहुँचाना है, अब पहुँचा के अपने रूम के लिए निकल जाऊँगा। तो दे दिया मैं वो बॉक्स, अब चलते हैं रूम के लिए। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पहले जिस रूम में रहता था 2 महीने काम किया मैं उसमें, मेरा पुराना रूम, 4.5 साल पहले। ये जो पेड़ दिख रहा है, पेड़ के नीचे जो गेट दिख रहा है, ये मेरा रूम था पहले, ये रूम था मेरा पहले का, इसमें बस 2 महीने काम किया हूँ। वही मैं आप लोगों को बताया था कि लड़ाई हो गया था, फाइन आ गया था, तो मैं बोला कि मेरा गलती नहीं है, क्यों काटेगा फाइन। वो बोला काटूंगा, काम करना है करो नहीं तो जाओ, तो मैं काम छोड़ दिया था यहाँ से। और यहाँ पे वीडियो मैंने बनाया, आप लोगों को टिकटॉक पे देखने को मिला होगा, वो वाला छत पे अल्ताफ राजा का जो गाने हैं, वो छत पर न सुला देना हम नींद में चलते हैं, वो उधर ही बनाया था मैं, तब उस समय वो इधर काम करता था। तो चलो अब मैं अपने रूम के लिए निकल चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे, और कोई दूसरा काम आएगा तो आप लोगों को मैं अपडेट दूंगा। अभी डेली शाम को भूख लग जाता है, तो मैं ये 3 बिस्किट लाया और 1 नमकीन। ये 1 बिस्कुट 1 रियाल का है, 1 रियाल इंडिया का 20 रुपये। ये जो बिस्कुट 5 रुपये का मिलता है इंडिया में, यहाँ पे 20 रुपये का मुझे ख़रीदना पड़ा है। और ये 4 बिस्कुट और ये 80 रुपये का, ये सिर्फ बिस्कुट और चनाचूर। अब ये सब जोड़ जोड़ के खरीदने का मन तो नहीं करता है, मगर क्या करें, मजबूरी है, भूख लगता है, कुछ खाना है तो खरीदना ही पड़ता है। चलो नाश्ता कर लेता हूँ। तो आज हम 3 दोस्त मिलकर बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो ये बटर है, बटर बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन में का वो चमड़ी निकला, चिकन धुल रहा है उधर। बाकी ये मसाला है, बिरयानी मसाला मेहरान का, चावल 7 गिलास चावल में बना रहे हम लोग 2 टाइम के लिए। तो आज बिरयानी पार्टी हम 3 दोस्त मिलकर बना रहे हैं, इरफान के रूम में हैं हम लोग। सामने का जो रूम दिख रहा है वो मेरा, सामने वाला वो मेरा रूम है, और उसके सामने इरफान का रूम, इसी में बनाएंगे आज। ये जो फार्म हाउस से नींबू तोड़ के लाया था, काम आ रहा है इसका, बिरयानी में पड़ जाएगा। तो सारा मसाला मिला रहा हूँ मैं चिकन में। और ये हमारे नियाज भाई साहब आजमगढ़ वाले प्याज छील रहे हैं, मसाला मिलाकर मैरिनेट करके इसको 10 मिनट रखूँगा। दही भूल गए हम लोग, तो इरफान भाई दही लेने गए हैं। तो नींबू डालने की तैयारी, 2 नींबू अभी डालूंगा और 2 नींबू चावल के ऊपर से डलेगा। तो बिरयानी बनाते बनाते चाय पीने का मन कर दिया, तो चाय भी बना रहा हूँ मैं। तो ये देखो यहाँ का इधर रेडीमेड दूध डब्बे में आता है दूध। तो वादी फातिमा का दूध है, और इसको बनने तो फिर दूध डलेगा। दूध डाल दिया मैं, दूध डालने के बाद ऐसा हो गया। तो चिकन में मसाला मिलाकर इसको मैरिनेट कर लिया मैं, अब 10 मिनट ये ऐसे ही रहेगा, तब तक चावल तैयार करते हैं हम लोग, प्याज लाल करते हैं। बिरयानी का मैंने फुल वीडियो बनाया है, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, पूरा फुल डिटेलिंग उसमें है।
तो इधर हो रहा है प्याज लाल, उधर बन रहा है चाय, इधर चावल उबालने के लिए मैंने पानी छौंका है। तो दही आ गया, मिला दिया मैंने, साथ में पिज्जा भी आया नाश्ता करने के लिए। तो प्याज लाल होने के बाद चिकन डाल दिया मैंने, जो मैरिनेट करके रखा था। थोड़ा प्याज निकाल लिया हूँ, चावल का पानी भी पसा लिया। तो अपना बिरयानी रेडी हो गया, चलो खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाह, वाह माशाल्लाह, क्या खुशबू है। चेक कर लेता हूँ, अंदर से सारा पानी सूख गया है ना। हाँ बिल्कुल सूख गया है पानी, बंद करो। चलो खाने अब जा रहे हैं हम, 3-4 आदमी मिलकर। आप लोग भी आओ खाने, नहीं बिस्मिल्लाह कीजिए, बिरयानी खाने आइए। तो बिरयानी निकल रहा अपना, ये रहे इरफान भाई, ये रहे हामिद भाई, ये रहे नियाज भाई, और हम इधर बैठे हैं। माशाल्लाह, नीचे का जला उला है क्या? नहीं नहीं नहीं, एकदम फिट बना है। हमिद भाई को बताओ बावर्ची यही है आज के। नीचे गोश है पूरा, अच्छे से निकालना पड़ेगा मिला के। ऊपर परत वाला नहीं है ना, वो नीचे पूरा गोश है और ऊपर गोश है। आई वाह हमिद भाई, अभी निकाले गोश भाई, पूरा मिलाओ तभी मसाला मिलेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। इरफान का दो, इरफान में ताकत है बहुत यार, किधर लगता है ना भाई से करने। बर्तन धो रहा था मैं, ठंडी से हाथ सुन हो गया, देखो कैसे लाल लाल हो गया है, ये बहुत ही ठंडी है, दर्द बहुत हो रहा है। इस साल इतना ठंडा क्यों है भाई। हाँ तो दोस्तों, आज दिन भर में बस इतना ही काम था, कोई काम नहीं था, तो हम चार दोस्त साथ में बैठे थे, तो बैठे बैठे हमने फैसला कर लिया कि चलो बिरयानी बना के खा लेते हैं। तो सब मिलकर बिरयानी बनाया, अभी बिरयानी वगैरह खा लिया है हम लोग, अब सब अपने अपने रूम में सोने चले गए, मैं भी आ गया अपने रूम में। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर फुल आप लोगों को वीडियो देखना है बिरयानी का, तो इस वीडियो का लास्ट में आएगा लिंक, मैं डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा मैंने कैसे बिरयानी बनाया था, कैसे बनाता हूँ बिरयानी। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डाला करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए, आप लोग उसी समय देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, एंड टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज़।